वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास टेंथ के लिए उर्दू का सबक नंबर 14 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 14 का नाम है नालिंदा। तो सबक को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि नालिंदा क्या है, ये किस चीज़ का नाम है। तो बच्चों, नालिंदा पहले के ज़माने में यानी कि आज से तकरीबन 1500 साल पहले एक हिंदुस्तान की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी थी, यानी कि तालीमी इदारा था। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत दूर दराज के इलाकों से, बाहर के मुल्कों से लोग पढ़ने आया करते थे। ये एक बहुत मशहूर तालीमी इदारे का नाम है, याद रहेगा, जो कि आज से तकरीबन 1500 साल पहले हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने का मेन मरकज़ था। तो अब हम पहले चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम से मुतालिक हर डाउट अच्छे से क्लियर हो सके, अच्छे से समझ आ सके। सभी बच्चे अब इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं अब चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आज से तकरीबन 1500 साल पहले हिंदुस्तान में आला तालीम के 3 खास मरकज़ थे। आला तालीम यानी कि हायर एजुकेशन हासिल करने के हिंदुस्तान में कितने मरकज़ थे, कितने केंद्र थे? 3 खास केंद्र थे, यानी कि 3 खास मरकज़ थे। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, याद रहेगा, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। और इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें महाविहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाविहार। आज की बड़ी यूनिवर्सिटियों की तरह इन इदारों में भी दूसरे मुल्कों से तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट इल्म हासिल करने के लिए आया करते थे। यहाँ पर बुद्ध मज़हब और फ़लसफ़े की तालीम के लिए बड़े बड़े काम किए गए थे। यहाँ पर किस चीज़ की तालीम हासिल करने के लिए बड़े बड़े काम किए गए थे? एक तो बुद्ध मज़हब और दूसरे फ़लसफ़े की तालीम हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात, बहुत बड़े बड़े काम किए गए थे। इन तीनों महावीरों में यानी कि इन तीनों बड़ी यूनिवर्सिटियों में नालंदा सबसे ज़्यादा अरसे तक यानी कि सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक, तकरीबन 800 बरस तक इसका कायम रहा। कितने सालों तक नालंदा यूनिवर्सिटी कायम रही इन तीनों यूनिवर्सिटियों में बच्चों? 800 बरसों तक कायम रही। इसमें तालीम हासिल करने वालों में चीन के एक मशहूर सैयाह हैं, सैयाह किसे कहते हैं, टूरिस्ट को, तो उनका नाम था हेफसांग की शख्सियत नुमाया है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय से चीन के मशहूर सैयाह हैं जिनका नाम है हेफसांग, उन्होंने भी यहाँ से तालीम हासिल की थी। उसकी तालिब इल्मी का दौर यानी कि जिस टाइम पर हेफसांग हिंदुस्तान तालीम हासिल करने के लिए आया था, कब से कब तक था? तो वो 645 ईस्वी तक माना जाता है। कब तक हेफसांग ने हिंदुस्तान में रहकर तालीम हासिल की? 629 से लेकर 645 ईस्वी तक तालीम हासिल की थी हिंदुस्तान में रहकर। आगे है नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम की गई थी, यानी कि इसको स्टार्ट किया गया था कौन सी ईस्वी में? 450 ईस्वी के आसपास कायम किया गया था। इस ज़माने में मगध रियासत पर गुप्त ख़ानदान की हुकूमत थी। याद रखोगे कि इस ज़माने में जो मगध रियासत थी उस पर कौन हुक्मरानी करता था? उस पर गुप्त ख़ानदान के जो शासक थे वो शासन करते थे। इस ख़ानदान के कई राजाओं ने नालंदा की तरक्की के लिए ख़जानों के मुँह खोल दिए थे, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के तरक्की करने के लिए इन्होंने भरपूर पैसा खर्च किया था। विक्रम आदित्य दोम ने कई विहारों के अलावा लाइब्रेरी भी तामीर कराई थी इस यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत शानदार बोला। नवी सदी आते आते इस इदारे ने बहुत ज़्यादा शोहरत यानी कि मकबूलियत हासिल कर ली थी। यहाँ दूर दराज के कई मुल्कों से तालिब इल्म इल्म हासिल करने यानी कि तुलबा आया करते थे। पाल राजाओं ने, ये एक शासन करने वाले राजाओं का नाम है जिन्हें कहा जाता है पाल राजाओं ने, नालंदा यूनिवर्सिटी की तरक्की में ख़ास दिलचस्पी ली थी। मशहूर चीनी सैयाह इत्संग ने भी 10 बरस तक यहाँ पर रहकर तालीम हासिल की थी। इस वक्त यहाँ तकरीबन 8500 तलबा और 1510 उस्ताजा मौजूद हैं, यानी कि टीचर्स मौजूद हैं। यहाँ तालीम के 18 शोबे हैं यानी कि 18 पार्ट्स हैं। इनमें
बुद्ध फलसफा संस्कृत और पाली जबान बा अदब कवायद यानी कि ग्रामर तिब यानी कि डॉक्टरी से रिलेटेड मुसव्वरी यानी कि पेंटिंग और फ़नून लतीफ़ा वगैरह की तालीम दी जाती है। फ़नून लतीफ़ा यानी कि फ़ाइन आर्ट वगैरह की तालीम दी जाती है। नालंदा यूनिवर्सिटी में तलबा की तालीम और उनके रहने और खाने का मुफ्त इंतज़ाम भी था। अब तक की खुदाई से ये वाज़े यानी कि जाहिर हो चुका है कि इस ज़माने में यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल की इमारत दो मंजिला थी। तलबा के रहने के लिए छोटे और बड़े कमरे थे। खुदाई के दौरान किताबों की अलमारी और पत्थर की चौकी भी मिली है। आंगन में कुओं का भी पता चला है। यूनिवर्सिटी चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी 1 मील लंबी और आधा मील चौड़ी थी। याद रखोगे, नालंदा यूनिवर्सिटी 1 मील लंबी और आधा मील चौड़ी थी। यहाँ 8 बड़े हॉल, 300 छोटे छोटे क्लासरूम और 3 लाइब्रेरियाँ मौजूद थी। चैतन्य मंदिर के जो खंडर मौजूद हैं यहाँ पर, उनकी ऊंचाई 20 मीटर है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इमारत कितनी अजीम शान रखती है। नालंदा यूनिवर्सिटी के मशरक और मगरिब में 2 सदर यानी कि मेन गेट, 2 सदर दरवाजे थे जिन पर बुद्ध, देवी तारा और दूसरे देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई थी। गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए अलहदा कॉलेज और इकामत गाहों का भी पता चलता है, यानी कि जो गैर मुल्कों से पढ़ने आते थे उनके लिए इस यूनिवर्सिटी में अलग से कॉलेज और इकामत गाहें बनी हुई थीं। इकामत गाह किसे कहते हैं? हॉस्टल को कहते हैं। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान यहाँ पर गहरा ताल्लुक, गहरा रिश्ता होता था। मुताले के लिए मौजूआत यानी कि टॉपिक के इंतखाबात यानी कि चुनाव में तलबा को पूरी तरह से आज़ादी थी। अपनी मर्जी से कोई भी स्टूडेंट कोई भी टॉपिक चूज कर सकता था। वैसे तालीम का बुनियादी मौजू यहाँ पर बुद्ध मजहब का महायानी फ़लसफ़ा था। यहाँ पर जो बच्चों मेन तालीम का जिसका तर्ज दिया जाता था वो क्या था? बुद्ध मजहब का महायानी फ़लसफ़ा था। तालीम से फारिग होने के बाद तालीम इल्म को तामर पत्र पर खुदी हुई यानी कि एक तांबे के पत्ते पर शीट पर खुदी हुई डिग्री यानी कि सनद दी जाती थी। यहाँ से तालीम जब कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया करता था तो उसको यहाँ पर कैसी डिग्री दी जाती थी? जो कि तांबे के ऊपर, तांबे की एक पतली सी चादर पर खुदी हुई होती थी। ऐसी डिग्री दी जाती थी जिस पर यूनिवर्सिटी की मोहर लगी होती थी। आगे है पटना से 90 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मशरक में नालंदा के खंडर आज भी अपने शानदार माजी के साथ अपनी शानदार दास्तानें सुना रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने राजगिरी की पहाड़ियों को अपनी इबादत और रियाजत का मरकज बनाया था। याद रखोगे कि महात्मा बुद्ध ने राजगीर की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर रहकर अपनी इबादत और इल्म हासिल करने का उसको अपने केंद्र यानी कि मरकज़ बनाया था। दुनिया भर के सैयाह यानी कि टूरिस्ट और अकीदतमंद का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को, किसी भी मज़हब को मानने वाले यानी कि बुद्ध मज़हब को मानने वाले अकीदतमंद आज भी यहाँ पर पुराने ज़माने के इस सबसे अहम इदारे के आसार यानी कि जो बचे कुचे अवशेष हैं वो देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, जो कि अकीदतमंद हैं। किसके? बुद्ध मजहब के। तो बच्चों यहाँ से पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस चैप्टर के अल्फाज मायनों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। अल्फाज मायने अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इससे आपकी उर्दू की वर्ड पावर बढ़ेगी और आपको उर्दू अच्छे से लिखनी और पढ़नी आएगी। तो पहला लफ्ज़ है मुमताज़। मुमताज़ का मतलब है नुमाया। सैयाह किसे कहते हैं? टूरिस्टों को, यानी कि मुल्कों का सफ़र करने वाला। तिब कहते हैं मेडिकल साइंस को। अजीम शान का मतलब है बड़ी शान वाला। इकामत गाह का मतलब है रहने की जगह या फिर हॉस्टल। फारिग का मतलब है तालीम मुकम्मल करके फुर्सत पाना या काम का पूरा होना। इदारा कहते हैं तालीमी मरकज को। आसार कहते हैं निशानियां। इंतखाब करना यानी कि चुनाव करना या चुनना। तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट।
ताम्र पत्र मतलब तांबे की तख्ती पर दी जाने वाली सनद। रियासत कहते हैं इबादत में मसरूफ। अकीदत मंद कहते हैं अकीदत रखने वाले को। मुसव्वरी कहते हैं पेंटिंग या तस्वीर बनाने का फन। कवायद कहते हैं ग्रामर को। फ़नून लतीफ़ा का मतलब होता है फाइन आर्ट्स। सदर दरवाजे का मतलब है ख़ास दरवाज़ा यानी कि मेन गेट। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है तो ध्यान से सुनेंगे। सवाल नंबर एक, पुराने ज़माने की तीन बड़ी यूनिवर्सिटियों के नाम क्या क्या हैं? तो मैंने आपको बताया था तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। पुराने ज़माने की तीन बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं। अगला सवाल है, किन राजाओं ने नालंदा की तरक्की के लिए खास काम किया था? जवाब में लिखोगे गुप्त खानदान के कई राजाओं ने नालंदा यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए खजानों के मुंह खोल दिए थे। विक्रमादित्य दोम ने भी कई विहारों के अलावा लाइब्रेरियां भी तामीर कराई थी। पाल राजाओं ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी की तरक्की में खास दिलचस्पी ली थी। अगला सवाल है, नालंदा में तालीम हासिल करने वाले मशहूर चीनी सयाहों के नाम लिखो। तो हैफसा और इत सिंह नालंदा में तालीम हासिल करने वाले मशहूर चीनी सयाह यानी कि टूरिस्ट हैं। अगला सवाल है, नालंदा में कितने तालिब इल्म पढ़ते थे? तो नालंदा में 8500 तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट्स पढ़ते थे। अगला सवाल है, नालंदा में उस्तादों की तादाद कितनी थी? तो 1510 थी। अब बच्चों इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं। पहले हैं फिलअप्स, तो फिलअप्स ऑलरेडी फिल हैं, पढ़कर सुना देती हूँ। हिंदुस्तान में आला तालीम के तीन खास मरकज थे। नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम की गई। महात्मा बुद्ध ने राजगीर की पहाड़ियों को अपनी इबादत और रियासत का मरकज बनाया था। खुदाई के दौरान किताबों की अलमारी और पत्थर की चौकी भी मिली है। यहाँ तालीम के 18 शोबे कायम किए गए थे। अब है बच्चों इस चैप्टर के मुतजाद अल्फाज। मशहूर का मुतजाद गुमनाम, माजी का मुतजाद हाल, ऊंची का मुतजाद नीची, मशिक का मुतजाद मगरिब, पुराना का मुतजाद नया, आला का मुतजाद बुलंद, लियाकत सॉरी। अब बच्चों ये मुतजाद नहीं है, नीचे लिखे गए लफ्ज़ों के हम मायनी लफ्ज़ लिखने हैं। तो आला, आला का जो हम मायनी यानी कि सिमिलर वर्ड होगा वो होगा बुलंद। लियाकत का सिमिलर वर्ड होगा काबिलियत। इबादत का सिमिलर वर्ड होगा खुदा की बंदगी। शोहरत का सिमिलर वर्ड होगा नामवरी। मुल्क का सिमिलर वर्ड होगा इलाका।